बीएमसी का टॉपिक V19 काउंटर बोरिंग साइकिल, काउंटर बोरिंग साइकिल। काउंटर बोरिंग साइकिल का यूज हम तब करते हैं जब पहले से जो होल हो उसके डाया को बढ़ाना हो। डाया क्या करना हो? बोर के डाया को बढ़ाना हो, पहले से ड्रिल था, पहले से होल था, उसके डाया को बढ़ाना है, साथ ही साथ काउंटर बनाना है। काउंटर मीन समझिए नीचे ये काउंटर बोलते हैं, काउंटर नीचे काउंटर। देखो इसके ड्रिल पहले से था, उसके ओल के डाया को बढ़ाना है, साथ ही साथ नीचे काउंटर बनाना है। तो हम G82 काउंटर बोरिंग साइकिल, G82 का यूज करते हैं काउंटर बोरिंग साइकिल के लिए। तो देखिए कैसे ऑपरेशन होता है। सबसे पहले हम हेडर लिखेंगे और जिन होल का बोरिंग डाया में इंक्रीज करना है और काउंटर बनाना है उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इसके बाद देखो अब G82 काउंटर बोरिंग साइकिल यूज करेंगे, G98 या G99 दोनों में से कोई यूज करो। इसके बाद G98 या G98 अगर प्लेट में कोई अवरोध है तो G98 यूज करो, अगर प्लेट प्लेन है तो G99। G82 काउंटर बोरिंग साइकिल। इसके बाद होल की पोजीशन X 50, Y 40, Z माइनस 5 mm अगर करना है तो 5 mm, R रिट्रैक्शन प्लेन 2 mm। अब देखो इसमें P पड़ता है, P ड्वेल टाइम 1000 मिली सेकेंड। इसके बाद हमने डाल दिया फीड। देखो G98 या G99 ये टूल रैपिड में यहां आएगा, इसके बाद ये देखो फीड में जाएगा, फीड में जाएगा बॉटम पे पी ड्वेल टाइम इतनी देर तक रुकेगा और फिर रैपिड में ये बाहर निकलेगा। तो जब ये फीड के साथ जाता है और कुछ दूर देर तक इसका मोमेंट जितना हम ड्वेल टाइम डालेंगे ये यहां पे इसका मोमेंट रुक जाता है, मतलब ये नीचे नहीं जाएगा बट ये रोटेट होते रहेगा। तो यहां पे ये काउंटर बना देता है और इसका टूल काउंटर बोरिंग का टूल देखो इसमें टूल में काउंटर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? काउंटर, जो यहां काउंटर बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी पोजीशन देते जाओ दूसरे होल की, एक्स 150, वाई 40, एक्स सी 100,
Y100, X150, Y160, X50, Y160। इसके बाद फूटर G91, G28, Z0.0, G91, G28, X0.0, Y0.0, जॉब होम पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट M05 कूलेंट ऑफ, M05 स्पिंडल स्टॉप, M09 कूलेंट ऑफ, M30। 82 काउंटर बोरिंग का यूज कब किया जाता है? जब होल के डाया को बढ़ाना हो और साथ ही साथ इसके बॉटम पे एक काउंटर बनाना हो, तो किसका यूज करते हैं? G82 काउंटर बोरिंग साइकिल। देखिए इसमें क्या होता है, XY होल पोजीशन, होल पोजीशन, जेड होल डेप्थ, आर रिट्रैक्शन प्लेन, और इसमें पी ड्वेल टाइम। इसके फॉर्मेट में देखो पी बढ़ जाता है, पी ड्वेल टाइम फीड के साथ टूल जाता है और बॉटम पे इसकी मोमेंट रुक जाती है मिलीसेकंड में, 1000 मिलीसेकंड बराबर एक सेकंड रुकेगी, लेकिन ये रोटरी मोशन करते रहेगा। उसके बाद ये टूल वापस रैपिड में आता है। तो देखो फीड के लिए हमने ऐसा सिंबल यूज किया है, फीड, फीड में टूल जाता है कुछ दूर बॉटम, कुछ देर बॉटम पे रुकता है, उसके बाद ये रैपिड में बाहर आता है। देखो अब रैपिड में जब ये बाहर आता है, उस केस में अगर आप 99 लगाए हो तो ये आर प्लेन पे यहां पे रुकेगा 2 mm प्लेट से ऊपर, और अगर आप 98 लगाए हो, अगर आप 99 लगाए हो तो 2 mm ऊपर यहां पे रुकेगा, और अगर आप 98 लगाए हो तो ये यहां पे 98 इनिशियल पॉइंट, जो आपकी ये वैल्यू है जेड में, इस ब्लॉक से ऊपर जो जेड की वैल्यू होती है 98 में, वहां टूल रुकता है। तो 82 काउंटर बोरिंग साइकिल का यूज किया जाता है होल के डाया को बढ़ाने के लिए और नीचे बॉटम पे काउंटर बनाने के लिए। फीड के साथ जाएगा टूल, बॉटम पे कुछ देर रुकेगा नेक्स्ट होल, इसके बाद ये घूमता रहेगा, आप काउंटर बन जाएंगे, इसके बाद ये बाहर आएगा। नेक्स्ट फीड के साथ जाएगा, बॉटम पे रुकेगा, ऐसे नेक्स्ट होल करेगा ये, सॉरी नेक्स्ट होल का डाया बढ़ाएगा। G82 काउंटर बोरिंग साइकिल का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मेट होता है XY, जेड, आर, और इसमें पी ड्वेल टाइम बढ़ जाता है, और फीड टूल, इसमें टूल जो यूज होता है वो काउंटर बोरिंग, यहां पे एडजस्टिंग स्क्रू होता है जिससे इसको हम एडजस्ट करते हैं, और ये काउंटर लगे होते हैं जो काउंटर बोरिंग बनाने में हेल्प करते हैं। G82 काउंटर बोरिंग साइकिल।